सो गाइस बेसिकली मैं अभी पार्क्स टावर से एकेडमिक हाउस शिफ्ट हो गया हूँ। थोड़ा बहुत सामान और पार्क्स टावर में बचा है तो वो लेने जा रहा हूँ। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो गाइस। मेरा नाम है पवनदीप सिंह और आप देख रहे हो ओनली इनोवेटिव। सो गाइस अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी वापस रीओपन हो रही है, क्लासेस वगैरह मिड ऑगस्ट से वापस शुरू होने वाली है और जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनको सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये स्टेप लिया है। और मैं अभी फिलहाल पार्क्स टावर से एकेडमिक हाउस वापस से मूव हो रहा हूँ, तो फिर जो भी मेरा रूम है आपको खाली खाली दिख रहा होगा। जितना भी सामान है मैंने ऑलमोस्ट सारा कुछ पैक करके एकेडमिक हाउस में शिफ्ट कर दिया। थोड़ा बहुत सामान बचा है, थोड़ा बहुत सामान मेरे फ्रेंड का था तो वो अभी जो स्कॉट वाले उधर शिफ्ट करेंगे। और मैं आपको बेसिकली आपने मेरा जो पार्क्स टावर का अंदर से रूम कैसा है वो नहीं देखा था वो बताऊँगा। एकेडमिक हाउस का जो सिंगल रूम है, बेसिकली डबल रूम है, उसको सिंगल में कन्वर्ट किया है, वो रूम कैसा है और स्कॉट हॉल का एक रूम कैसा है वो बताऊंगा। लाइक अंदर से सिंपल रूम है, ऑलमोस्ट सारे रूम सेम है, बट तो भी आपको मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो छोटा मोटा फर्नीचर का डिफरेंस है वो ये और कुछ भी नहीं है। तो आप ये वीडियो वाइज एंजॉय करो। ओ ये वाली नहीं आएगी इधर से, ये ऊपर वाले दरवाजे से आती है, ये दरवाजा छोटा है, ऊपर जाना पड़ेगा सेकंड फ्लोर पे। चलो नहीं नहीं आ जा, एक जन उधर रहेगा ना। अच्छा अभी खुला है क्या? तो गाइस अभी फिलहाल स्पॉट हॉल में आ चुके हैं और यहाँ पर ऑलमोस्ट नहीं, सारे जितने भी रूम्स हैं वो सब सिंगल रूम है और सूटमेट्स होते हैं। तो ये एक आर्य का रूम है पूरा सिंगल। ये क्या है? ओके स्टडी टेबल, एक छोटा सा टेबल और नीचे क्या, थोड़ा सा स्टोरेज के लिए ड्रॉवर्स वगैरह और एक प्लस एक सोफा और यहाँ पर एक व्यू के लिए कौन सा, यही है ना? ओके वो वाला है, थोड़ी हरियाली देखने के लिए व्यू और बेसिकली यही एकदम सिंपल सा एक रूम। तो गाइस जिसने भी मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखा था कैंपस टूर का, जो डॉम्स वगैरह मैंने बताए थे कैंपस के ऊपर, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था। और उसके नीचे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मैंने एचएवी क्यों नहीं दिखाया। तो गाइस जिसको एचएवी नहीं पता मैं उनको बता दूं कि एचएवी का फुल फॉर्म है ऑनर्स एकेडमिक विलेज और ये कैंपस के ऊपर और एक रेसिडेंस हॉल है। तो मैंने ये इसलिए नहीं बताया था बिकॉज अगर आप यूनिवर्सिटी का हाउसिंग एप्लीकेशन फिल करते हो तो वो जितने भी डॉम्स हैं उसके लिस्ट में एचएवी नहीं आता है, क्योंकि वो एक दूसरी जो पार्टी है थर्ड पार्टी उनके अंडर आता है। लाइक आपको एचएवी की एक अलग वेबसाइट है उसके ऊपर जाके अप्लाई करना होता है, तो इसलिए मैंने नहीं बताया था। बट इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, मेरे पीछे स्कॉट टकर हॉल, ये वाला टकर, उसके आगे स्कॉट और मेरे सामने है एचएवी। तो गाइस वापस से अभी मैं एकेडमिक हाउस आ चुका हूँ और अभी आपको मैं मेरा जो रूम है वो बताऊंगा और साथ में आपके साथ जो अभी यूनिवर्सिटी रीओपन हो रही है तो जो सेफ्टी गाइडलाइंस वगैरह उन्होंने इशू की है, लाइक क्या तरीके से वो सेफ्टी ले रहे हैं, क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले अभी आप मेरा रूम देख लो।
तो यहाँ पे मेरा क्लोजेट है, ये मेरे सब शर्ट्स वगैरह रखे, ऊपर मैंने थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान रखा है, प्लस तेल, सैनिटाइजर। यहाँ पे एक छोटा सा मिनी फ्रिज है, वो ड्रॉवर जो है मैंने एक वॉलमार्ट से लिया था, एक मिरर है, मेरा लैपटॉप, स्टडी डेस्क, ऊपर मैंने मेरा वेबकैम लगा दिया, चिपका दिया है बेसिकली, और वो फेस मास्क। उधर पीछे मेरा थोड़ा बहुत और सामान है, नीचे वापस से ड्रेसर है कपड़े रखने के लिए, एक छोटी सी यहाँ पर चेयर है, ये टेबल, यहाँ पे मेरा बेड, ये मेरे जो भी मैंने ऑलरेडी पहन चुका हूँ कपड़े वो टंगाने के लिए, और यहाँ पे है मेरी मिरर। और गाइस मेरे पास ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये है इंडिविजुअल थर्मामीटर, मैं अभी आपको वो बता दूँ क्या है, मुझे तो बहुत ज़्यादा सही लगी ये चीज़। बेसिकली मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो बेसिकली ये एक छोटी सी स्ट्रिप है, इधर आप देख सकते हो, मुझे पता नहीं कैमरा फोकस कर रहा है या नहीं, बट ये मैं अपने फोरहेड पे रखूंगा और आप देख सकते हो ये पेपर जैसी नहीं, कितनी पतली सी स्ट्रिप है एक, और मैं इसको मेरे फोरहेड पे लगाऊंगा और इधर अलग अलग डॉट्स है, तो एक डॉट कलर हो जाएगा, लाइक ग्रीन कलर का हो जाएगा चेंज, तो आपको आपका टेम्परेचर दिखता है बेसिकली। तो मैं आपको लगा के दिखा दूँ, पता नहीं मुझे कैमरा ये देख पाएगा कि नहीं, मुझे यहाँ पे ये 15 सेकंड्स के लिए रखना है। और बेसिकली वो कैमरा ने कैप्चर नहीं किया, बट जब मैंने हल्का सा हिलाया तो आपको ग्रीन कलर दिखा होगा, तो जो ग्रीन कलर का डॉट है वो मेरा टेम्परेचर था, और मेरा टेम्परेचर था 96 था शायद से, मैंने ध्यान से नहीं देखा कौन सा डॉट हुआ कलर, बट यस फर्स्ट सेकेंड या थर्ड में ही था, हाँ ये सेकेंड वाला हो रहा है, तो 96 डिग्री है गाइस मेरा टेम्परेचर, तो आई एम प्रेटी नॉर्मल, बहुत अच्छा टेम्परेचर है। ओके, सो गाइस यूनिवर्सिटी अभी जो भी सेफ्टी मेजर ले रही है स्टूडेंट्स के लिए वो है कि लाइक जितने भी रेसिडेंस हॉल्स या फिर एकेडमिक बिल्डिंग्स है कैंपस के ऊपर, वहाँ पे मास्क कंपलसरी है, प्लस डाइनिंग हॉल्स वगैरह में कॉन्टैक्टलेस पिकअप हो गया है कि लाइक आप ऑनलाइन आपका शायद से फूड ऑर्डर कर सकते हो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या प्रोसीजर है बिकॉज अभी तक चालू नहीं हुआ, बट मैंने उनकी वेबसाइट पर पढ़ा था, तो वो कुछ ऐसा होगा कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दोगे, आपका ऑर्डर रेडी होने पे आप जाकर बस पिक करके लेकर आ जाओ रूम में और आपका खाना खा लो, और ऐसे ही कुछ तो भी सिस्टम है, जो भी सिस्टम होगा मैं वो पता चलने के बाद आपके साथ शेयर करूँगा जब डाइनिंग हॉल्स चालू हो जाएंगे। उसके बाद कुछ क्लासेस ऑनलाइन है, कुछ हाइब्रिड क्लासेस है, जितने भी क्लासेस में 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन, और जितने भी क्लासेस 50 के अंडर है बच्चे, लाइक स्ट्रेंथ 50 के नीचे होगी, वो क्लासेस इन पर्सन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, और यही कुछ अपडेट्स है लाइक सेफ्टी रिलेटेड वो लोग कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स कैंपस पे वापस आएंगे लाइक डॉर्म्स में रहने के लिए, उनका टेम्परेचर वगैरह चेक होगा, उनको कंपलसरीली सोशल डिस्टेंसिंग करना है, उसके बाद ज़्यादा रेसिडेंट्स अभी अलाउड नहीं होंगे बिल्डिंग में, हर किसी को एक सिंगल रूम मिलेगा, लाइक यू नो रूम्स शेयर नहीं होंगे, अगर क्वाड रूम है तो उनको डबल रूम में कन्वर्ट कर दिया, लाइक ये काइंड ऑफ स्टेप्स यूनिवर्सिटी ने लिए है, तो देखते हैं अभी कैसे होता है। एक और एक आपके लिए अपडेट की बहुत जल्दी अगस्त मिड में एक अनबॉक्सिंग वीडियो आने वाली है, तो फिर अगर आपको वो देखना है तो फिर आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन आए, और वो जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो लाइक वन ऑफ माय फेवरेट अनबॉक्सिंग वीडियोस होने वाली है। मैंने पहले भी कुछ छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अनबॉक्स किए मेरे चैनल पे, बट ये वाला जो अनबॉक्सिंग है ना नेक्स्ट लेवल होने वाला है, तो फिर आप सब लोग लाइक सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन ऑन रखो, और ये वाली वीडियो का हम लोग लाइक गोल रखेंगे 200 लाइक्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और बाकी देखने के लिए थैंक यू सो मच, अभी आप लोग ब्लूपर्स एंजॉय करो। सो गाइस कोर्ट हॉल में आगमन हो चुका है, अभी बेसिकली सारा सामान लेकर आ गए, अभी अंदर लाना है रूम में, शिफ्ट करना है। सब गाइस वेलकम टू माय रूम, लवली स्मॉल प्लेस ब्रो। There's not much you have to do anything. It's just I don't know why. It's just lovely place over here. Look at that.
तो गाइस लास्ट टाइम जब मैंने जो मैंने फर्स्ट व्लॉग बनाया था, गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस अभी सब्सक्राइब पक्का करना, इतने प्यार से बोला जरूर करना।